वेरी 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 वेल वेलकम टू गुड ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड टुडे इज टॉपिक खेलो इंडिया प्रोग्राम. व्हाट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम? खेलो इंडिया प्रोग्राम इन इंडिया इज वेरी वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट डेवलप बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन 2018. व्हाई नीड द खेलो इंडिया प्रोग्राम? सब बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द टू हेल्प टू इंट्रोड्यूस खेलो इंडिया प्रोग्राम लाइक रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स. इंडियन गवर्नमेंट थिंक दैट पीपल एंगेज रेगुलरली इन प्रैक्टिस इन स्पोर्ट्स एंड डेवलप स्ट्रेटेजी एनालिटिकल थिंकिंग लीडरशिप स्किल एंड गोल सेटिंग रिस्क टेकिंग दीज डेवलपमेंट्स कम्स अंडर द मेंटल डेवलपमेंट विथ फिजिकल डेवलपमेंट. तो ये देखा इंडियन गवर्नमेंट ने कि ये लोगों में कमी है, इसको डेवलप करने के लिए हमें एक ग्रास रूट लेवल पर प्रोग्राम करना चाहिए. तो खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? एक डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन ग्रास रूट लेवल. खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन ग्रास रूट लेवल. इन कमियों ये डेवलप करते हैं, इसके बाद हेल्थी एंड फिट पर्सन टू कंट्रीब्यूट हेल्थी सोसाइटी एंड नेशन. हेल्थी फिट पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल टू डेवलप द हेल्थी सोसाइटी एंड हेल्थी नेशन. Then steady progress in field of sports. 4. Continuing progress and continually develop in sports culture in India. So they want to introduce Khelo India program at develop the sports in grassroots level. Grassroot level means at a elementary level, at a school level. जब school level से people engage रहेंगे sports में, तब जाकर अपनी young generation में जाकर as after the 20s, after the 25, they give more and more contribute to sports and more getting medal in sports field. Because हमारे इंडिया में lack of grassroot physical या sports culture है. इस सब को डेवलप करने के लिए हमें अपने ग्राउंड लेवल पर वर्क करना पड़ेगा. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेरी वेरी ब्रॉड एंड वेरी वेरी वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. January 31st को लॉन्च हुआ था 2017 एंड 18 में एट इंदिरा गांधी स्टेडियम. कहा था? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहा हुआ था? एट इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में.
किसकी गवर्नमेंट अंडर हुई था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। उस टाइम पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? हमारे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर। इनके प्रेजेंस में ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का लॉन्च हुआ था, और ये हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और ये किस ट्रेडिशन हुआ था? ये हुआ था ट्रेडिशन गुरु शिष्य ट्रेडिशन में। मीन्स ये इसलिए बोला गुरु शिष्य ट्रेडिशन में क्योंकि जो बच्चे जो ग्रासरूट डेवलप वो हमारे क्या हो गए? शिष्य। और गुरु कौन हो गए? उनका कोचेज। तो एक ये कोचेज हमारे उन ग्रासरूट लेवल को डेवलप करेंगे इन इंडिया में इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये इसलिए इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल गुरु शिष्य ट्रेडिशन। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर लॉन्च हुआ था गुरु शिष्य ट्रेडिशन में। अब इसको इसका नाम 2019 में इंडियन ओलंपिक कमेटी ने बदल दिया था। खेलो इंडिया प्रोग्राम का नाम क्या कर दिया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स क्या था पहले? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। फिर आफ्टर क्या कर दिया था? रीनेम खेलो इंडिया का नाम ये डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर एंड हेल्थी एनवायरमेंट हेल्थी नेशन एंड मोस्टली प्रेफर ये हुआ था मोस्टली फॉर द ग्रास डेवलप द ग्रास रूट लेवल एंड 31st Jan 2017 and 18 एट इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विथ कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर एंड विच ट्रेडिशन गुरु शिष्य ट्रेडिशन। खेलो इंडिया इन 2019 में इसे रिनेम किया गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से। क्या कर दिया था इसे? गेम्स इसे रिनेम कर दिया था वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब इसे यूथ गेम्स बोलते हैं जो किसमें खेला जाता है? अंडर 21 एज। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस कैटेगरी में होता है? दो कैटेगरी में होता है, अंडर द 17 एज एंड अंडर द 21 एज ग्रुप। इन दो ग्रुप्सों में होता है। और टोटल कितने डिसिप्लिन में होता है? इसमें कितने स्पोर्ट्स रहते हैं? टोटल 16 डिसिप्लिन means sports. टोटल कितने स्पोर्ट्स में होता है? 16 स्पोर्ट्स इंक्लूड रहते हैं इसमें, लाइक आर्चरी, ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इन सबको मिलाकर टोटल कितने वो हैं? 16 डिसिप्लिन हैं। अब ये तो हो गया खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्राम, उसमें आता है पहला हमारा क्या?
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अंडर 17 अंडर 21 में हुआ था, और इसको कन्वर्ट किया था 2019 में। पहले बोलते थे 2017-18 से बोलते थे, इसे 2017-18 से बोलते थे इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, बट फिर बोलने लगे 2019 में से क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स 16 डिसिप्लिन। एंड इसके बाद इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप कितने कैंडिडेट को, कितने किड्स को दी जाती है, 1000 इसको सिलेक्ट किया जाता है, कितने किड्स को किया जाए 1000 कंपटीशन पार्टिसिपेट के लिए कितने को किया जाता है 1000 किड्स को जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसे कन्वर्ट कर दिया इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये कब कब हुआ था, जब से स्टार्ट हुआ तब से खेलो इंडिया यूथ गेम अभी चलता रहा, 2017, 2018, 2019 and 2020 में कहा हुआ था लास्ट, ये हुआ था हमारा असम, और विनर कौन रहा था इसका, महाराष्ट्र। एंड मोस्ट महाराष्ट्र, देन का ड्यू टू कोविड ये हो गया कैंसिल, एंड 2022 का अब होगा कहां, पंचकुला हरियाणा। ये कब होता है, ये एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब मंथ में होता है, एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप दी जाती है, ये दी जाती है 5 लाख पर एनम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं उनकी, और ये कब तक दी जाती है 4-8 ईयर्स के लिए, कितने समय तक 4-8 ईयर्स के लिए, और 5 लाख पर स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है पर एनम, कब तक देते हैं ये 8 ईयर के लिए, ताकि उनको जो नीड है, उनकी जो ट्रेनिंग खर्चा है और उनका जो डाइट पे जो है उनका खर्चा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा सके, और हमारे जो अपकमिंग ओलंपिक्स अपकमिंग इवेंट्स आएंगे इंटरनेशनल इवेंट्स, उनमें हमारे देश का मोस्ट ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूशन एज यूथ का हो, मोस्ट ऑफ द मोस्ट हमारे मेडल आ सके, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया था। ये तो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे 2020 में, 2020 में कहां हुआ था ये फर्स्ट खेलो इंडिया बुक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये हुआ था हेल्ड एट कटक उड़ीसा,
कटक उड़ीसा। और किस एज ग्रुप में होता है ये, किस एज ग्रुप कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं इसमें, इसमें होते हैं 18 to 25 years एज ग्रुप फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेवल से 18 से 25 साल के स्टूडेंट्स को लिया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। और यूथ गेम्स में जिसे हम बोलते हैं स्कूल गेम्स, पहले उसको रिनेम कर दिया यूथ गेम्स, तो उसमें कितनों को उसमें लिया जाता है 18 to 21 एज ग्रुप, 17 to 21 एज ग्रुप। यहाँ पर क्या रहता है 18 to 25 एज ग्रुप, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, पहला हुआ था कटक उड़ीसा में, कब हुआ था 2020 में, इन 22 फेब, कब हुआ था 22 फेब को पहला मैच हुआ था। इसमें जो फर्स्ट विनर रही है अभी तक, जो फर्स्ट विनर कौन है, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये हमारा होता है कैनेडा यूनिवर्सिटी गेम। अब थर्ड ओवर एक और इंक्लूड किया है, ये है हमारा क्या, सभी खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर आते हैं तीनों इवेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। फर्स्ट कौन सा है, खेलो इंडिया इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स फर्स्ट कब हुआ था, ये हुआ था फेब 17 2020, ये फेब 2020, ये कहां हुआ था पहला, ये हुआ था लेह एंड गुलमर्ग, ये दोनों कहां है, ये है कश्मीर में और ये है लद्दाख। इनमें विंटर गेम्स में कौन कौन से गेम्स आते हैं, इनमें आते हैं जैसे आइस हॉकी, स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, ये सब इसमें एडवेंचर एक्टिविटी है ना, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब इसमें आते हैं। इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ये फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था 2020, कहां हुआ था लेह गुलमर्गा कश्मीर लद्दाख में। ये तीनों हमारे इवेंट्स होते हैं क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये सारे तीनों के तीनों खेलो इंडिया के अंडर आते हैं। इसके बाद लास्ट एक खेलो इंडिया ऐप भी है, लॉन्च खेलो इंडिया ऐप 9x9 मोजी, खेलो इंडिया ऐप लॉन्च एट विज्ञान भवन दिल्ली, कब लॉन्च हुआ था ये हुआ था 17 फरवरी 17 2019 को ये खेलो इंडिया का भी ऐप लॉन्च हुआ था। इसके बाद खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं उनमें कुछ गेम्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं 2020 न्यू गेम न्यू स्पोर्ट्स एड, कौन कौन से न्यू स्पोर्ट्स एड, वो है हमारे
का कलारी पैतू थांगतू और कौन सा है हमारा और है हमारा फोर गेम एडेड 2020 खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। ये एक्ट लिखना है, ये नोट डाउन करना सर। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम में कड़का कलारी पट्टू थैंक टू एंड मलार मल कम ये खेलो इंडिया प्रोग्राम में ऐड हुए हैं। तो ये हमारे खेलो इंडिया प्रोग्राम के तीनों इवेंट एंड होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, यहाँ पर कौन कौन से तीन खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है। खेलो इंडिया प्रोग्राम दिया गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास रूट लेवल एट द इंदिरा गांधी एरिना एंड दिल्ली, और यहाँ पर तीन इवेंट होने लगे हैं अब इन 2020 में। विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी विल डिस्कस इन समराइजेशन पार्ट। खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट इन 31st जन इन 2017-18 बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर एज स्पोर्ट मिनिस्टर। एंड दे लॉन्च खेलो इंडिया प्रोग्राम इन इंदिरा गांधी एरिना इन दिल्ली। एंड फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 2018-2019 एंड 2020 एंड 2020 ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू खेलो इंडिया प्रोग्राम यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। फर्स्ट खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड एट कटक भुवनेश्वर कटक ओडिशा एंड सेकेंड विंटर गेम्स लेह लद्दाख एंड गुलमर्ग कश्मीर 2020 एंड खेलो इंडिया एंड अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम अल्सो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स चेंज द रीनेम खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड थ्री टाइप्स ऑफ खेलो इंडिया इवेंट्स लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स कम्स अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम। इन 2019 ऑल्सो लॉन्च खेलो इंडिया ऐप बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बाय द खेलो इंडिया प्रोग्राम लाइक प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बाय स्ट्रक्चर मोर मास पार्टिसिपेशन वुमेन एंड मास पार्टिसिपेशन इन ग्रास रूट लेवल चिल्ड्रंस एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल गेम्स एंड ऑल्सो नेशनल लेवल स्टेट लेवल एंड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्टेट लेवल सेंटर्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम ऑल्सो गिव द स्कॉलरशिप ऑफ चिल्ड्रंस सिलेक्टेड इन द टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बाय द खेलो इंडिया प्रोग्राम गिव 5 लाख पर एनम फॉर द अप टू एट ईयर 8 साल तक 5 लाख पर एनम खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत उस एथलीट या उस चिल्ड्रन को दी जाती है जो सिलेक्टेड एट अंडर द खेलो इंडिया टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इन 2019 ऑल्सो खेलो इंडिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुज टीच द स्कूल लेवल एंड केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय एंड एनी गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल टू इनरोल द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल विथ स्कूल नेम एंड नंबर ऑफ गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो ऑन खेलो इंडिया ऐप जो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें प्रिंसिपल स्कूल टीचर्स भी अपना एनरोलमेंट किए और उन्हें ऑनलाइन खेलो इंडिया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जो 4
फोर पार्ट में कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो हुआ खिलौने ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये हमारा कंप्लीट खेलो इंडिया प्रोग्राम था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड अबाउट द खेलो इंडिया प्रोग्राम। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जब आया था राइट डाउन द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 10 मार्क्स। तो फर्स्ट व्हाट इज द खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम इज खेल ग्रासरूट लेवल, देन थ्री टाइप्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, देन एलैबोरेट देयर एंड ऑल्सो राइट डाउन द डिफरेंट डिफरेंट 8 to 9 ऑब्जेक्टिव ऑन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। आई थिंक खेलो इंडिया प्रोग्राम इज होल कवर एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे। नाउ क्वेश्चंस कम फ्रॉम खेलो इंडिया प्रोग्राम लाइक व्हाट इज द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 5 मार्क्स या 2 मार्क्स। 5 मार्क्स 2 मार्क्स तो वन पैरा खेलो इंडिया खेलो इंडिया प्रोग्राम इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट लेवल बाय गवर्नमेंट इन 2017 एंड 18 एंड टू राइट डाउन द 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स देन सेंड फॉर 2 मार्क्स। इफ दे कम इन 5 मार्क्स तो राइट डाउन द खेलो इंडिया प्रोग्राम व्हाट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड राइट डाउन द टोटल 7 to 8 ऑब्जेक्टिव्स एंड होल 3 खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड देयर इवेंट 16 डिसिप्लिन एंड स्कॉलरशिप एंड अबाउट द इवेंट विच हेड एंड फर्स्ट विनर एंड लास्ट विनर, ये सभी इसमें इंट्रोड्यूस करना है 5 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव्स 7 to 8 ऑब्जेक्टिव राइट डाउन करना, तब जाकर ये 5 मार्क्स का आपका आता है। फिर देन राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, अगर सेम आता है सिर्फ खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में सिर्फ राइट डाउन द खेलो इंडिया प्रोग्राम ओनली इन पॉइंट वाइज करीबन 8 to 7 खेलो इंडिया प्रोग्राम, देन पिच लेवल हेल्प विद खेलो इंडिया प्रोग्राम ये 1 मार्क्स का सकता है। पिच लेवल एट ग्रास रूट लेवल एट स्कूल लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम हेल्पफुल एट स्कूल लेवल एट ग्रास रूट लेवल। तो इन दिस टॉपिक खेलो इंडिया प्रोग्राम दिस टाइप क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जाम एंड मैं नहीं जानता इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चंस इसी में से यही बनेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कोई खेलो इंडिया के बारे में पूछेगा, इससे बाहर कोई कहीं नहीं जाएगा। नाउ खेलो इंडिया वी हैव सीन दैट खेलो इंडिया प्रोग्राम इन लॉन्च बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन दिल्ली इंदिरा गांधी एरिया विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इज स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च इज नेम ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बट रीनेम बाय द 2019 बाय गवर्नमेंट बाय द हेल्प ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड इन 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट 2019 इंडियन खेलो इंडिया यूथ गेम यूथ ऐप ऑल्सो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लाइक प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, डेवलप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल गेम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड स्पेशल चैलेंज पीपल्स एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स टू ओपन द रीओपन द सेंटर एट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल इन एवरी पॉपुलेटेड एरिया फॉर ग्रास रूट लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ऑल्सो गिव द स्कॉलरशिप 5 लाख पर एनम बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर अप टू 8 ईयर फॉर चिल्ड्रन हु सिलेक्टेड थ्रू द टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बाय द हेल्प ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें 5 लाख पर साल अब कहाँ कब तक 8 साल के लिए उन्हें हेल्प टू द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक गेम्स एंड फॉर डाइट एंड अदर इक्विपमेंट पर्पस फॉर परचेजिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इक्विपमेंट फूड एंड विथ ट्रेनिंग कंप्लीटली फॉर 1 ईयर एंड अप टू 8 ईयर तक 1 साल के लिए। इन सब में आपका फूडिंग लॉन्चिंग जो भी है वो सब उसके लिए 5 लाख रुपए
देती है इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोग्राम के तहत. हैव ए गुड डे. थैंक यू.